वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। झारखंड की राजधानी रांची स्थित जेएससी इंटरनेशनल स्टेडियम में आज 15 अगस्त और आजादी के अमृत महोत्सव पर जनता के लिए फ्री में स्टेडियम को खोला गया है, जहां झारखंड समेत अन्य राज्य के लोग भी यहां घूमने आए हैं। रांची में बना जेएससी स्टेडियम की डिजाइन काफी अलग है। साल के सबसे छोटे दिन भी यहां शाम 4:45 से पहले मैदान के पिचों पर छाया नहीं आती। स्टेडियम की दर्शक गैलरी की शेड की छाया पिच पर नहीं जाती, ऐसा दूसरे स्टेडियम में नहीं है। इस कारण खेल में किसी तरह की परेशानी नहीं होती। स्टेडियम में ही हिल एरिया है, मैदान के अंदर ईस्ट और वेस्ट में हिल एरिया है, ये पूरी तरह से खुला हुआ है। ये देश का पहला स्टेडियम है जिसका हिल एरिया ओपन है। जीएन भारत की टीम ने अमृत महोत्सव के अवसर पर जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम में पहुंची, जहां पर लोगों से बातें की आई। आपको सुनाते हैं कि लोगों में कितना उत्साह है। स्टार्ट है हाँ, तो भैया आप कब से यहां पे आ रहे हैं? हम तो यहां रेगुलर आते ही आते रहते हैं, मतलब 26 जनवरी को 15 अगस्त हो या फिर और भी कोई मैचेस होता है तो आते ही रहते हैं। तो ये भीड़ कब कब देखने को मिलता है? भीड़ आपको जो मैनेजमेंट है यहाँ का, मैनेजमेंट 2 दिन अलाउ करता ही करता है सबके लिए, आम पब्लिक के लिए। एक 26 जनवरी, दूसरा 15 अगस्त, मतलब आज। फील्ड का क्या, यहाँ पे इंटरनेशनल मैच होता है जान ही रहे हैं, और झारखंड और बिहार का इकलौता ग्राउंड ऐसा है जहाँ पे इंटरनेशनल मैच होता है। धोनी का होम ग्राउंड भी है? हाँ, धोनी भैया का तो होम ग्राउंड है ये। तो क्या आपको मौका मिला होगा उनसे मिलने का? हाँ, एक बार तो मिले हैं। हमेशा आते रहते हैं तो आपको तो मिला ही होगा? हाँ, रांची में जब रहते हैं तो आते जाते रहते हैं। लास्ट हो गया, 1-2 सप्ताह हो गया वो आए थे यहाँ पर। एक दो सप्ताह पहले मतलब आए थे तो आप लोग मिले थे उस समय? हाँ, सभी से मिलते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमें से मिलते हैं, जो आसपास रहते हैं उनसे मिलना जुलना होता है उनका। कुल माइंडेड आदमी है, जानते हैं कैप्टन कुल है। तो हमारे साथ कुछ युवा मौजूद है, इनसे हम बात करेंगे। आप लोग भैया यहाँ पे कब से आ रहे हैं? हम लोग यहाँ जब से स्टेडियम बना है तब से आ रहे हैं, मतलब मैच मतलब देखते आ रहे हैं आप लोग? जी जी, देखते आ रहे हैं। तो ये स्टेडियम में कब कब मतलब मैच हुआ है पहले? अब बहुत दिन से तो यहाँ पे नहीं हुआ है मैच। जी, यहाँ बहुत बार मैच होते आ रहा है, कुछ कारण से अभी मैच नहीं हो रहा है, लेकिन इस बार सुनने में आ रहा है कि अक्टूबर में फिर से मैच हो रहा है ODI, तो हम लोग फिर आएंगे। और यहाँ पे आज इतना भीड़ क्यों है? आज 15 अगस्त में और 26 जनवरी में। आज तो 15 अगस्त 26 जनवरी को फ्री है यहाँ पे आना? जी जी, सब हर बार घुसने दिया जाता है। फिर आप यहाँ आके देख सकते हैं, यहाँ पे आके खूबसूरती का नज़ारा ले सकते हैं, और क्या। ऐसा इंडिया में ये भी माना जाता है कि जैसे स्टेडियम बहुत बड़ा माना जाता है ईडन गार्डन के बाद, और कई इंटरनेशनल जैसे मैच ऑस्ट्रेलिया का हो चुका है, साउथ अफ्रीका का हो चुका है, क्या ऐसा मैच यहाँ हुआ है जो कि हमेशा मेमोरेबल रहा है, ऐतिहासिक मैच हुआ ऑस्ट्रेलिया का, साउथ अफ्रीका का, बहुत अच्छा अच्छा मैच यहाँ होता रहा। जब भी मैच होता तो बहुत ज़्यादा क्राउड आता है, दूर दूर से बिहार का लोग पहुँचते हैं, झारखंड का लोग पहुँचते हैं, बहुत दूर दूर का लोग आ जाते हैं अगर यहाँ मैच होता है, खास करके बिहार के लोग बहुत ज़्यादा लोग पहुँचते हैं, और बहुत स्टेडियम बहुत भरता है अगर जब मैच यहाँ पे होता है तो। माहौल रहता है जब यहाँ मैच होता है तो बहुत, मतलब लाखों हजारों में भीड़ रहती है यहाँ। MS धोनी का जो रांची का झारखंड का हार्ट माने जाते हैं, उनका ये होम ग्राउंड है, यहाँ पे आप लोग अभी मिले कि नहीं उनसे? एकदम बहुत बार मिले, हम लोग घर तरफ रहते हैं, हम लोग जहाँ कटल मोड़ में रहते हैं, हम लोग वहाँ से उनसे मिलते रहते हैं हमेशा, वो बाइक राइड कार राइड में निकलते रहते हैं। तो कभी कभी होता है, मिल जाते हैं कभी कभी भेंट हो जाते हैं। तो क्या सेल्फी उल्फी लेते हैं आप लोग? कभी कभी मौका मिले तो क्यों नहीं लेते हैं, लेते हैं सेल्फी, लेते हैं, अच्छा लगता है, लेते हैं। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।